उधर दूसरी ओर बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने जैसे ही कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की तो इस पर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के एक दलित सांसद ने बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करे। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं संवाददाता। राजीव, भारत रत्न की मांग की गई कांशीराम को, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और मायावती भी अब ये मांग करती हुई नजर आ रही है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। अब देखिए, कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लोकसभा सांसद अरुण सागर ने सदन में ये मांग की थी कि माननीय कांशीराम को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, जिसको लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने के बजाय उन्हें केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाना चाहिए, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करे। कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहीं ना कहीं अरुण सागर को एक नसीहत दी है कि वो सिर्फ मांग न करें बल्कि अपनी सरकार पर दबाव बनाकर कांशीराम जी को भारत रत्न दिलवाएं। ऐसा नहीं होता है तो यही समझा जाएगा कि ये सिर्फ एक राजनीति के तहत दलितों को गुमराह करने के लिए सिर्फ इस तरह की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अरुण सागर की इस मांग का समर्थन किया है और उन पर दबाव बनाने के लिए भी उनसे अपील की है कि ताकि कांशीराम को या तो भारत रत्न मिले या फिर वो इस पर राजनीति करना बंद करें। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि जो मांग की जा रही है वो कब तक पूरी होती है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका।